Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mubin Hushif Muhammad from the Spiral School, Esqa. Today I'm here to deliver the lecture about polyphonics for the KG class. Today I'm here with a new story and with a new sounds letters. ठीक है जी बच्चे, आज हम एक नए साउंड के साथ न्यू वर्ड सीखेंगे कि ये न्यू साउंड के साथ कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं और इनके क्या क्या स्पेलिंग है और इसको हमने कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक मदर दिखाई दे रही है और कुछ चाइल्ड जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो चाइल्ड हैं ये ब्रेड्स एंड जिंजर से कोई चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, जिंजर अब हार्ड होता है, जिंजर हार्ड होता है ना, अदरक जिसको बोलते हैं वो हार्ड होता है और उसको वो मिक्सचर में ब्लेंड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और ब्रेड से जो भी डिश बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें मिक्सचर में ऐड करेंगे और उसको जो है मिक्स करने के लिए उनको ब्लेंड करने के लिए ठीक है ब्लेंडर में डालेंगे। ठीक है, तो जो ब्लेंडर है उसका एक साउंड क्रिएट होता है जब वो चलती है ब्लेंडर। ठीक है, जो मिक्सर जब चलता है तो उसका एक साउंड क्रिएट होता है, वो कौन सा साउंड क्रिएट होता है? कैसे चलता है? कैसे साउंड उसका क्रिएट होता है? तो इसी तरह ये बच्चों ने अपने ये ब्रेड डिश बनानी है तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो ऐड की है और इसको ब्लेंडर को ऑन किया है मिक्सचर को तो उसका एक साउंड क्रिएट होता है, आपने मेरे साथ उसको रिपीट करना है। तो वो साउंड ये है जो हम पहले भी सीख के आ चुके हैं। ठीक है, ए ल अर ए ल अर ए ल अर ए ल अर। ठीक है, हमने पहले भी सीखा हुआ है ये साउंड ए ल अर। रिपीट विद मी, ए ल अर ए ल अर ए ल अर। जी आइए देखते हैं मजीद अर किस में यूज हुआ है और इससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। फर्स्ट वन द मिक्सचर, मिक्सचर में देखिए मिक्सचर में क्या स्पेलिंग आए हैं, ए अर अर व्हाट्स हैपन इट अर अर ए अर मिक्सर। रिपीट विद मी, ए अर मिक्सचर। मिक्सचर क्या है ये देखिए, आपको नजर आ रहा है मिक्सचर यहाँ पे, मिक्सचर। रिपीट विद मी, मिक्सर ए अर मिक्सर। आइए नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं कि इससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, सिस्टर, आप सबकी सिस्टर है ना, सिस्टर बहन को बोलते हैं। आप वी एंड आवर वर्ड में भी सीख चुके हैं सिस्टर फैमिली में। ठीक है, ए अर अर सिस्टर स्टर स्टर ए अर सिस्टर। हम आज कौन सा साउंड सीख रहे हैं, अर अर ल ए अर लेटर 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 ए ए अर लेटर लेटर। मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है ना, एक लेटर किसे कहते हैं, पहले जब बहुत पहले ज़माने में ये टेलीफोन्स नहीं होते थे तो जैसे आपके बाबा बाहर अब्रॉड कंट्री गए होते हैं या आप नानोमी आपसे दूर होते हैं किसी दूसरे सिटी में होते हैं तो आप उसको टेलीफोनिकली बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं ना, तो मोबाइल में बात करते हैं। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले मोबाइल नहीं होते थे तो पहले हम क्या करते थे, पेंसिल के साथ पेज के ऊपर अपनी बात जो हमने कहनी होती थी ना वो लिखते थे और उनको सेंड करते थे, उनको भेजते थे। ठीक है,
आपने उर्दू में डाकिया भी सीखा और इंग्लिश में पोस्टमैन सीखा, तो ये पोस्टमैन और डाकिया जो होते हैं ये लेटर लेके जाते थे और हमारा मैसेज जो है कन्वे करते थे, हमारा मैसेज देते थे। हम अगर नानो अम्मी को, आंटी को, मामू को, किसी को भी हमने अपना मैसेज देना होता ना, हमने अपने पैगाम देना होता था कि हमने ईद पे आना है या आपने ईद पे आना है, हमसे मिलना है, तो कुछ भी मैसेज देना होता था तो ऐसे देते थे, लेटर राइट करते थे। उसको क्या कहते थे? लेटर। क्या कहते थे? लेटर। यस, सिल्वर। सिल्वर। सिल्वर कलर भी होता है ना, सिल्वर कलर भी होता है, ठीक है। सिल्वर हम एक पॉट होता है उसको भी कहते हैं, लेकिन आप सिल्वर कलर सीखेंगे, ठीक है। सिल्वर। रिवर। 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 फिर विद मी, सिस्टर। लेटर। रिवर। रिवर जो हम बहुत सारा पानी होता है ना, बहुत बड़ा होता है, जैसे नहर की तरह बहुत ज्यादा पानी होता है, दरिया, उसको क्या कहते हैं? रिवर। क्या कहते हैं? रिवर। रिवर। रिपीट विद मी, रिवर। सिस्टर। लेटर। रिवर। सिल्वर। आइए बच्चों, नेक्स्ट सीखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड कौन से हमारे साथ पास, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे रीड द एयर वर्ड्स। रीड द वर्ड्स। जी, जैसे हमने पिछले साउंड्स में सीखे थे, इसी तरह ये भी सीखेंगे। फिंगर। फर्स्ट द फर्स्ट वन इज फिंगर। हम इकट्ठा साउंड ये सीख के आए हैं ना। फिंगर। कहाँ पे फिंगर? ये देखें, ये फिंगर है। फिंगर। फिंगर। हम आर सीख रहे हैं ना, आर। क्या सीख रहे हैं? आर। नेक्स्ट आ। आर। हमर। 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 आप इससे नेल्स लगाते हैं, आप अगर आपके डेस्क में देखेंगे नेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, आपके चेयर्स में नेल्स लगे हुए हैं, कील लगे हुए हैं ना, तो इसके साथ लगाते हैं। किसी भी चीज़ को हमने पुश करना हो तो इसके साथ पुश करते हैं, ठीक है, हैमर के साथ। हमर। आ। हमर। 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 फीड विद मी, हमर। द नेक्स्ट लेड। लड। लेडर। 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 लीडर। लीडर। रिपीट विथ मी, लीडर। ये सीढ़ियाँ होती है ना जिसके ऊपर चढ़ के हम ऊपर अपस्टेयर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के कहीं ऊंची जगह पे जाते हैं, ठीक है, जैसे छत पे जाते हैं, तो ये क्या यूज़ करते हैं? लीडर यूज़ करते हैं हम, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? लीडर। लीडर। द नेक्स्ट वर्ड इज टाइगर। टाइगर। अर। यहाँ पे भी अर यूज हुआ ना, हम कौन से वर्ड सीखते हैं? अर वर्ड्स। कौन से? अर वर्ड्स। जिन जिन में अर यूज हुआ है उन वर्ड्स को हम सीख रहे हैं, ठीक है। टाइगर। टाइगर। जी, अर यहाँ पे भी जैसे हम पीछे जैसे स्मॉल एंड कैपिटल सीख के आए हैं, इसी तरह इसको भी स्मॉल एंड कैपिटल हम यहाँ पे राइट करेंगे, और ठीक है, यहाँ पे स्मॉल और यहाँ पे कैपिटल। और ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, राइट द वर्ड्स। इसी तरह जैसे हमने पीछे ओए यू राइट किया, इसी तरह यहाँ पे अर वर्ड्स
राइट करेंगे, अर साउंड राइट करेंगे, और इनसे कौन से वर्ड्स बनते हैं, किन किन वर्ड्स में ये यूज होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज फीदर, द फर्स्ट वन इज फीदर, 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 रिपीट विद मी, फीदर, 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 फीदर। आप इसको सेपरेट भी पढ़ सकते हैं, ए आ, ए आ, द आ, फीदर, फीदर, ओ, मदर, मदर। यहाँ पे ठ या ये कहीं पे द का साउंड क्रिएट करता है और कहीं पे थ का, तो यहाँ पे कौन सा साउंड क्रिएट हो रहा है, द का, कौन सा, द का। ओ द अ मदर, आपकी मदर है ना, ये देखिए बेबी की मदर है, ठीक है, मदर। ओ द अ मदर, मदर। द नेक्स्ट वर्ड इज पेपर, पेपर, फ अर। यहाँ पे क्या राइट होगा, अर, तो यहाँ पे आपने अर राइट करना है, ठीक है। पेपर, पेपर, आपकी नोटबुक का पेपर होता है ना, वैसे भी आपको शीट दी जाती है पेपर में, तो इसको क्या कहते हैं, पेपर, पेपर। लेटर, लेटर मैं आपको बता चुकी हूँ किसे कहते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, पेन लेके, पेंसिल लेके हम पेज पे राइट करते हैं और अपने प्यारों को भेजते थे, मैसेज भेजते थे, तो ये देखिए ये इसको क्या कहते हैं, लेटर, क्या कहते हैं, लेटर। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अर, अर, उ, ए, लेटर, लेटर। द नेक्स्ट वर्ड इज बटर, बटर, मक्खन को बोलते हैं, ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं ना, ब आ अर। यहाँ पे क्या आएगा, अर, 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 बटर, बटर, ब आ अर, बटर। वाओ, नेक्स्ट फ्लावर, फ्लावर, व्हाट इज दिस फ्लावर, ओ, इसको सेपरेट भी पढ़ सकते हैं, इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, सेपरेट कैसे पढ़ेंगे हम, ओ, व, व, और यहाँ पे क्या आएगा, ए, अर, सॉरी, अर, अर, फ्लावर, 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 रिपीट विद मी, फ्लावर। जी नेक्स्ट, वही जैसा कि पीछे आपने ये वर्ड सीखे हैं, इनको आपने लर्न करने हैं, रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा इनको राइट करना है, और फिर आपने इनको ओरली यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने फ्लावर की स्पेलिंग लर्न करनी है और यहाँ पे राइट करनी है, लेटर की स्पेलिंग आपने यहाँ से लर्न करनी है और यहाँ पे आपने राइट करनी है, ठीक है। इसी तरह बटर, ठीक है, मदर, मदर की स्पेलिंग लर्न करेंगे, पेपर एंड सॉरी फीदर, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, फीदर, पेपर, फीदर। पहले आपने ये जो पीछे पेज है इसमें से आपने स्पेलिंग लर्न करने हैं, ठीक है, वन बाय वन आपने लर्न करने हैं, जब आपको लर्न हो जाएंगे तो आपने फिर आफ्टर लर्निंग आपने यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। रीड एंड अंडरलाइन द अर वर्ड्स, रीड एंड अंडरलाइन द अर वर्ड्स। आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, आई लव,
love. Love क्या होता है? प्यार. My. The earth. देखिए earth यूज हुआ है ना, हमने earth को अंडरलाइन करना है ना और वर्ड को, तो यहाँ पे earth मिल गया हमें, तो यहाँ पे mother है, तो mother को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. I love my mother. मैं अपनी अम्मी से प्यार करता हूँ, मैं करती हूँ. A fun is a plant. A fun is a plant. A यहाँ पे क्या है, फर्न. फर्न एक पौधा होता है, ठीक है. फर्न क्या है, एक पौधा है, प्लांट पौधा. अ फर्न इज अ प्लांट. तो यहाँ पे हमने अर्थ को वर्ड को यूज करना था ना, उसी को सर्च करना, तो यहाँ पे फर्न को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. अ फर्न इज अ प्लांट. प्लांट में देखिए अर यूज नहीं ना हुआ, इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे. अ फर्न इज अ प्लांट. द नेक्स्ट लाइन इज आई लाइक फ्लावर्स. आपको पसंद है ना फ्लावर्स, ये देखिए कितने ज्यादा फ्लावर्स है, 1 2 3 4 5. हाउ मैनी फ्लावर्स, 5. यस, जब फ्लावर 1 हो तो फिर फ्लावर आता है, अगर ज्यादा हो तो लास्ट पे आता है, तो फ्लावर्स. आई लाइक फ्लावर्स. लाइक के अंदर देखिए आर यूज हुआ है, नहीं ना यूज हुआ. फ्लावर्स के अंदर देखते हैं, आइए बढ़ते हैं इनको. ये देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, फ्लावर्स. तो हम किन वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, अर वर्ड्स को. किन वर्ड्स को, अर वर्ड्स को, जहाँ जहाँ पे अर यूज हुआ है, तो फ्लावर्स के अंदर हुआ है ना, तो इसलिए फ्लावर्स को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है. आई लाइक फ्लावर्स. मुझे फूल पसंद है. द तो हम किसको सर्च कर रहे हैं, अर को सर्च कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वेटर देखिए, वेटर के अंदर क्या आया, अर. तो इसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. हम किसी होटल वगैरह में जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पे जो पूछने आता है हमें कि मैम सर आप क्या खाएंगे, अगर आप बच्चे हैं आप लोग जाते हैं तो कहते हैं हेलो चिल्ड्रन आप क्या खाएंगे, आपसे पूछते हैं ना, व्हाट यू वांट ईट. तो आपने उनको क्या कहते हैं, उनको वेटर कहते हैं. जो होटल जाए हमें चीज़ें सर्व करते हैं उसको क्या कहते हैं, वेटर. उसे क्या कहते हैं, वेटर. वेटर कम्स टू सर्व. सर्व क्या होता है, चीज़ें जो देते हैं ना उसको क्या कहते हैं, सर्व करना होता है, ठीक है. हम अगर मुफ्त लोगों में चीज़ें बांटते हैं देते हैं, वो क्या करते हैं, सर्व करते हैं. कम्स में देखिए अर यूज हुआ, नहीं ना यूज हुआ. टू में नहीं यूज हुआ. अब देखिए सर्व में चेक करते हैं, अर. ये देखिए यहाँ पे भी अर आया, अर सर्व. तो सर्व में भी अर आ गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे. द वेटर कम्स टू सर्व. ठीक है. तो इसी तरह आपने यहाँ पे अर वर्ड जो हमने ऊपर अंडरलाइन किए ना, जैसा कि मदर, फन, फ्लावर्स, वेटर, सर्व, इनको आपने यहाँ पे बॉटम साइड में राइट करने हैं, ठीक है. यहाँ पे आपने इनको वन बाय वन राइट करना है. वन यहाँ पे राइट करेंगे, वन यहाँ पे और वन यहाँ पे राइट करेंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.